नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एमसीक्यू सीरीज का हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके राजस्थान जेई और यूपी आरबीएनएल के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो बिना लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फिनोमना फिच कॉजेज रिवर्स ब्रेकडाउन इन अ जेनर डायोड इट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एवलांस इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, ब्रेकडाउन इफेक्ट एंड सीबैक इफेक्ट। यहाँ पर हमारा जेनर डायोड के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जेनर डायोड का सबसे पहले सिंबल हमें मालूम होना चाहिए, ये नॉर्मली हमारे कई पेपरों में आता रहता है। तो जेनर डायोड का ये सिंबल है और ये रिवर्स बाईस में काम करता है, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये दोस्तों ये फॉरवर्ड में भी काम करता है और रिवर्स में भी काम करता है। फॉरवर्ड में ये नॉर्मल डायोड के जैसे काम करता है, और रिवर्स बाईस में जब हम इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद, जिस निश्चित वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज के बाद, ये डायोड आपका कंडक्ट करने लगता है। यानी रिवर्स वाइज में यदि हमने कोई एलिमेंट ले लिया है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमने एक जेनर डायोड को यहाँ पर जोड़ दिया है, जैसे ही आप इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर देंगे एक निश्चित वोल्टेज के बाद, ये दोस्तों एक वोल्टेज सोर्स के जैसे वेव करने लगे। मान लीजिए नॉर्मली ये जो जेनर डायोड होता है ये 6 वोल्ट से ज़्यादा के लिए हमारा बनाते हैं हम इसको, तो जैसे ही ये रिवर्स वाइज में हमने इसको सप्लाई दी तो यहाँ पर ये हमारा एक तरीके से एक वोल्टेज सोर्स के जैसे काम करने लगता है। इसीलिए हम इसका उपयोग बोलते हैं कि शंट वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे ये काम करता है। तो ये अब हमारा इसके अक्रॉस 6 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई के इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसे शंट वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा रिवर्स वाइज में हमने एक नी वोल्टेज के बाद हम वोल्टेज जैसे ही बढ़ाते हैं, अचानक हमारी कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे कि करंट अचानक से बढ़ जाता है और ये डायोड हमारा कंडक्ट करने लगता है। इसी को हम एवलांस इफेक्ट बोलते हैं। इसमें कंटिन्यूस जो हमारा कोलाइजन रहता है इलेक्ट्रॉनों के बीच, वो बढ़ता जाता है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें यहाँ पर, तो कैरेक्टरिस्टिक जब आप देखेंगे तो जेनर डायोड के लिए फॉरवर्ड बाइस में ये सिंपल डायोड के जैसे काम करता है। यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया हुआ है और ये आपका जो करंट है ये मिली एम्पियर में है यहाँ पर। लेकिन रिवर्स वाइज में दोस्तों जब आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक निश्चित वोल्टेज के बाद ये सडन कंडक्ट करता है। ये जो वोल्टेज रहता है इसको ही हम यहाँ पर नी वोल्टेज यहाँ पर बोलते हैं। नी वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करता है। तो ये है इसकी रिवर्स रिवर्स वाइज में कंडीशन, जहाँ पर ये सडन इसका जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे जेनर डायोड के बारे में लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बात करें, तो द बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लैंपिंग सर्किट। दोस्तों क्लैंपिंग सर्किट क्या होते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कई बार हमें वेवफॉर्म चेंज करने की आवश्यकता होती है, या उसमें कोई आपकी साइनोसोइडल मान लीजिए वेवफॉर्म दी हुई है, इसकी वेवफॉर्म में हम कोई डीसी कंपोनेंट ऐड करके इसके वेवफॉर्म को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यानी इसके पीक टू पीक जो वोल्टेज है उसको तो हम सेम रखते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्लैंपिंग सर्किट की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। इसके अंदर जब हम इसकी सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो इसमें नॉर्मली हमारे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और डायोड ही इस्तेमाल होते हैं। एक सर्किट हम पॉजिटिव क्लैंपिंग के लिए देख लेते हैं। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार डायरेक्ट सर्किट पूछकर आपसे वेवफॉर्म के बारे में पूछते हैं कि वेवफॉर्म आपका कैसा बनेगा। तो मान लीजिए इनपुट में आपने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड Vm है और ये -Vm है। यहाँ पर आप सर्किट को यदि देखें तो पॉजिटिव क्लैंपिंग के लिए जो सर्किट हमारा अप्लाई होता है वो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर आपने ये जो Vm आपकी सप्लाई है वो आपने यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ से जो आउटपुट में वेवफॉर्म आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर
ये जो वेवफॉर्म है ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगी। यहाँ आप देख रहे होंगे एक आपने डीसी कंपोनेंट जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया हो, तो वो डीसी कंपोनेंट आपका कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पर ऐड होता है और आपका वेवफॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। उसका पीक टू पीक जो वैल्यू रहती है वो इसमें सेम रहती है, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपकी जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पर आपने देख रहे होंगे शिफ्ट हो गई है, तो इसे हम पॉजिटिव क्लैंपर, यहाँ पर पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट यहाँ पर हम इसे बोलेंगे। यदि यही डायोड की डायरेक्शन यदि अपोजिट कर दी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका वेवफॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये नेगेटिव क्लैंपिंग के जैसे काम करेगा। तो आपने जो यहाँ पर एलिमेंट इस्तेमाल करे हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट को मिलाकर आप पॉजिटिव क्लैंपिंग या नेगेटिव क्लैंपिंग बनाते हैं। तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस रहता है, एक डायोड रहता है, एक कैपेसिटेंस रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कई बार दोस्तों ये जरूर याद रखना, एक MPEB का एक AE का जो पेपर 2016 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर आया भी हुआ था, आपसे आउटपुट में वेवफॉर्म्स की डायरेक्शन पूछी थी कि आउटपुट का वेवफॉर्म का फॉर्मेट कैसा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, द एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज, तो ये हमारी नॉर्मली दोस्तों ये हमारी वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी हुआ है। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर हमारी वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होती है। और ऑप्शन की यदि हम बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक क्लॉक जो होती है वो इलेक्ट्रिक क्लॉक में हमारी स्टेपर मोटर जिसे हम सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं कि ये इस्तेमाल होती है। हेयर ड्रायर में दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर स्प्लिट फेस या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो कूलर होते हैं और जो फैन होते हैं इसमें कैपेसिटर रन मोटर इस्तेमाल होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलर में और आपकी जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो आपकी घरों में फैन इस्तेमाल होते हैं उनमें कैपेसिटर रन मोटर इस्तेमाल होती है। और यूनिवर्सल मोटर का हम मिक्सिंग मिक्सर वगैरह और ड्रिल मशीन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन इसके यूजेस के आते रहते हैं। सेडेड पोल मोटर यहाँ पर एक और होती है जिसको हम ट्वाइस में इस्तेमाल करते हैं। स्टेरसिस मोटर का हम रिकॉर्डर जो हमारे होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। डीसी सीरीज मोटर को हम ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लोकोमोटिव आजकल चलते हैं WAP, जो पुराने कन्वेंशनल जो लोको थे हमारे उसमें हम डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते थे। अभी जो न्यू है WAG 9 और WAP 7 जो अभी लोको हमारे चलते हैं रेलवे में उनमें हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पुरानी जो मोटर थी वो ट्रैक्शन में डीसी सीरीज का इस्तेमाल करते थे, अब हम इसमें इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंडक्शन मोटर और डीसी सीरीज मोटर और जो हमारी सिंगल फेस मोटर्स हैं उनके उपयोग जो लगातार हमारे एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, फॉर्मूला फॉर द फ्यूजिंग फैक्टर इज, फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करेंट टू द रेटेड करेंट, और इसकी जो वैल्यू दोस्तों होती है हमेशा एक से ज़्यादा ही होती है। HRC फ्यूज के लिए नॉर्मली कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1.1 होती है ये फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू, और ये कई बार ये रिलेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू मिनिमम फ्यूजिंग करेंट डिवाइडेड बाय रेटेड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, ELCB मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द सर्किट। ELCB दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और ये ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है और
थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज होता है, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ता है ये आपको। और यहाँ हम इसको सर्किट में देखें, एन ELCB मस्ट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। पहला ऑप्शन है बिफोर एनर्जी मीटर, आफ्टर एनर्जी मीटर, एट द एंट्री ऑफ सप्लाई टू लोड आफ्टर एनर्जी मीटर, टेल एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन। तो ये हमारे एनर्जी मीटर के बाद लगाया हुआ होता है, एट द एंट्री ऑफ सप्लाई टू लोड आफ्टर एनर्जी मीटर। तो ये ELCB से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम जाएं तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन एयर पॉकेट इज ट्रैप्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी गिवन इज 5.4 अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डाइइलेक्ट्रिक, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द एयर पॉकेट टू दैट इन द डाइइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू। स्ट्रेस यानी आपसे रिलेशन पूछा है, सबसे पहले आपको डी और ई के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ से आप ई और आपकी परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन आप यहाँ से बना सकते हैं, जो कि होगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। आपकी परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको दी हुई है ई। अब यहाँ से आप एक रिलेशन बना सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ई एयर का और इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं वो डाइइलेक्ट्रिक का। तो इससे आप रिलेशन जब बनाएंगे तो ये चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जब आपने एयर पॉकेट इज ट्रैप्ड इनसाइड ए डाइइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिविटी 5 कोई परमिटिविटी दी हुई है, उसके अंदर आपने एयर को डाला हुआ है, तो यहाँ से जो आपकी ER दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 5, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो होगा 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ आपको सिंपल ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, ई और डी के बीच में क्या रिलेशन है, और ई जो स्ट्रेस है आपका वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जब आपने एक एयर के उसको एक परमिटिविटी के दूसरे मटेरियल के अंदर डालते हैं, तो आपका जो रिलेशन आपसे यहाँ से पूछा गया था वो आपने यहाँ पर जब इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 और ये डिवाइडेड बाय आपका जो परमिटिविटी आपकी एयर में थी वहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपकी ER ही बचा जो कि है आपकी 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़े तो हमारा कलर कोड के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, द कलर कोड ऑफ 1 kΩ रेजिस्टेंस। तो कलर कोड के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा कि आपकी जो रेजिस्टेंस होते हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इस पर कुछ इस तरीके से स्ट्रिप रहती हैं और इन पर कुछ कलर कोड रहते हैं, उसके बेस पर ही आप इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए एक कोड होता है जिसे हम बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ के फॉर्मेट में याद किए होंगे, तो बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इस टाइप से एक रिलेशन आपको मालूम होगा। यहाँ जो आपसे पूछा है आपके रेजिस्टेंस के बारे में कि 1 kΩ को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, तो 1 kΩ के लिए सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, AB इंटू 10^x। यहाँ आप देखेंगे कि जो पहला डिजिट रहता है वो A होता है, जो सेकंड डिजिट होता है वो B होता है, और जो थर्ड डिजिट है आपका जो 10^ है आपका वो तीसरा यहाँ पर फॉर्मेट है। तो आप सबसे पहले आप 1 kΩ को इस फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए। 1 kΩ को जब आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, तो 10 × 10^2, तो ये जो वैल्यू होगी आपके 1 kΩ के इक्वल ही हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला डिजिट आपका क्या बन गया, ए आपका क्या है यहाँ पर 1 है, बी जो है आपका वो 0 है, और यहाँ पर जो सी है आपका वो है 2। तो अब आपका रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, BV रॉय BB आपका सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 1 डिजिट, तो 1 क्या है
आपका यहां पर ये है और सॉरी ये जीरो है, ये है आपका यहां पर वन है, और यहां पर टू जो है आपका वो आपका रेड है। जीरो वन टू थ्री फोर, इस टाइप से आप इनको नंबर दे सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो आपका पहला जो जीरो डिजिट है वो क्या है आपका बी है, पहला डिजिट भी बी है, और जो आपका सेकेंड डिजिट है यहां पर वो है आपका रेड। तो बी बी रॉय ब्रेड ग्रेटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यहां पर बी आपका ब्राउन है, एक जो सेकेंड वाला है वो ब्लैक है, और जो तीसरा वाला है आपका वो रेड है, फोर्थ ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर इस तरीके से आपके अलग अलग कलर में इसको डिवाइड करके हम रखते हैं। तो पहला डिजिट हमारा क्या हो गया यहाँ पर ब्राउन हो गया, फिर ब्लैक हो गया, और फिर रेड हो गया। तो आपका जो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा वो होगा ब्राउन ब्लैक एंड रेड, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से कलर कोड के रिलेशन भी आते रहते हैं, कई बार इसमें एक टॉलरेंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्लस माइनस 5% जो टॉलरेंस होती है वो आपकी गोल्ड की होती है, और सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होती है यानी इसमें जैसे आपने जो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है तो इसमें कितनी परसेंट की टॉलरेंस यहाँ पर होगी, ये आपको यदि वो गोल्ड की इंडिकेट हो रही है आपकी फोर्थ जो स्ट्रिप है तो वहाँ पर 5% होगा, सिल्वर की है यदि तो प्लस माइनस 10% उसमें टॉलरेंस हो सकती है आपकी 1 किलो ओम के अंदर। तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ था, सिंपल आपको तीनों कलर के बारे में ही पता करना था। यदि टॉलरेंस यहाँ पर दी होती कि 1 किलो ओम प्लस माइनस 5% तो उसके कलर क्या होते, तो यहाँ रेड के बाद आप यहाँ पर गोल्ड भी रहता, या यदि वहाँ पर प्लस माइनस 10% दिया होता तो हम यहाँ पर गोल्ड की जगह सिल्वर वहाँ पर लिखते। तो ये आपके कुछ ऑप्शन थे जो कलर कोड से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ 1 kVA 400 डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर 2% एंड 6%, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 2% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉन्स्टेंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर आर 1% द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपसे वो हम परसेंटेज लोड निकाल लेते हैं कि किस लोड पर हमारी मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी होगी, उसके बाद हम इफिशियंसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फुल लोड जिस पर हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, फुल लोड, तो हमारी इफिशियंसी किस कितने परसेंट लोड पर मैक्सिमम रहती है, ये हमारा रेशियो इसके लिए जो रिलेशन होता है ये होता है आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। यहाँ आपको दिया हुआ है फुल आयरन लॉस आपको 1% दिया है, फुल लोड कॉपर लॉस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2%। तो यहाँ से आप इसको रिलेशन निकालेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी 0.707 यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी, यानी इतने परसेंट लोड पर ये आपकी जो इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला जो आपको मालूम है कि KVA इंटू cos phi, और यहाँ पर आपका आयरन लॉस प्लस आपका कॉपर लॉस यहाँ पर आपको पता है, ये आपको रिलेशन यहाँ पर पता रहता है इफिशियंसी के लिए। इनपुट आउटपुट क्या है आपका और इनपुट आपने कितना दिया है, तो इसके बीच पर आप इफिशियंसी निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि 1 kVA यहाँ पर दिया हुआ था आउटपुट, और कितने परसेंट लोड पर वो आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी, तो 0.707 पर 1 × x जो कि है 0.707, ये पर यूनिट पर यहाँ पर बात चल रही है हमारी, प्लस 2 × 0.01,
क्योंकि वहाँ पर आयरन और कॉपर लॉस इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे लगभग इक्वल हो जाएंगे और हमारा जो फिक्स्ड लॉस है या कांस्टेंट लॉस है वो 1% गिवन है, यानी 1/100, तो हमारा कॉपर लॉस भी यहाँ पर उतना ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है। और ये x है आपका, कितने परसेंट लोड पर ये आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एफिशिएंसी का जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो होगा 97.25। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस आपका किस लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी उसको निकालने के लिए आपका जो रिलेशन होता है आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। आपको चूंकि यहाँ पर क्वांटिटीज गिवन थी, परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ था या पीयू में ये क्वांटिटीज हमारी एक तरीके से दी हुई हैं, रिएक्टेंस भी दिया हुआ है, परसेंटेज रेजिस्टेंस के इक्वल ही आपका फुल लोड कॉपर लॉस होगा, इसलिए आपने यहाँ पर 2 अप्लाई किया और इससे रिलेशन आपको निकल कर आया कि 0.707 इतने परसेंट लोड पर आपकी, यानी 70.7% लोड पर आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो वहाँ से आपने एफिशिएंसी की फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको जो एफिशिएंसी निकल कर आई वो 97.25 निकल कर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक 4 पोल लेप माउंट डीसी जनरेटर आपको दिया हुआ था जिसकी पावर पी दी हुई है और वोल्टेज जो आपको दिया हुआ है ई वोल्ट। 1 ब्रश ऑफ द मशीन इज रिमूव्ड। कोई सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 पोल लेप माउंट डीसी जनरेटर, उसमें से उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यदि आपका कोई एक ब्रश यहाँ पर बर्न आउट हो जाता है, उसके बाद आपको उसको हटाना पड़ा, तो अब जो रिमेनिंग ब्रश है उनके द्वारा सप्लाई जाएगी आपके मशीन में और वहाँ पर अब आपकी पावर और वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक ब्रश हटा लिया जाता है तो आपकी पावर और आपकी जो वोल्टेज है उसमें क्या अंतर आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले लेप बाउंड के लिए यदि हम पैरेलल पाथ में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ पोल के ऊपर ही पैरेलल पाथ होते हैं, यहाँ पर 4 पोल दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर आपके 4 पोल की जगह 4 पाथ हो गए और यहाँ अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एक ब्रश हटा दिया, तो जब भी हम एक ब्रश को हटाते हैं तो उससे हमारी 2 क्वाइल अफेक्ट होती हैं, एक ज़्यादा ही उससे क्वाइल अफेक्ट होती है लेप बाइंड के अंदर, क्योंकि वो एक ही सेगमेंट से जुड़ी हुई होती है। तो यदि आपने एक ब्रश हटा दिया तो आपकी यहाँ पर 2 आपके पाथ यहाँ पर हट जाएंगे और ये आपका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो यहाँ पर चूंकि ई वोल्टेज ही है इसके अक्रॉस, तो हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो ई ही रहेगा, लेकिन आपका मान लीजिए यहाँ से आई करंट आ रहा था तो आपके जो शुरुआती कंडीशन में था I/4 और I/4 करंट इन चारों पाथों से जा रहा था, लेकिन एक ब्रश जैसे ही हटाया तो आपके 2 पाथ यहाँ से अफेक्ट होंगे और इन 2 पाथ के जो करंट है वो अब नहीं जाएगा, केवल 1/4 और 1/4 करंट जाएगा, तो 2 × 1/4 अब हमारा जो करंट इसमें से जा रहा है वो I/2 टोटल यहाँ से करंट जा रहा है, तो हमारा करंट आधा हो गया। तो हमारी पावर भी, पावर के लिए डीसी में क्या होता है VI होता है, वोल्टेज हमारा E है और करंट हमारा आधा हो गया है यहाँ पर, तो हमारी जो पावर होगी वो आधी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका जो वोल्टेज तो रहेगा वो ई ही रहेगा पर जो पावर होगी आपकी वो आधी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये कुछ ब्रश से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और कभी एक ब्रश हटाते हैं, कभी 2 ब्रश हटाते हैं, है ना, कभी नियर वाले हटाते हैं, कहीं अपोजिट वाले हटाते हैं, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि ये वेव बाइंडिंग में होता तो वहाँ पर 2 पैरेलल पाथ ही वहाँ पर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एज पर IE रेगुलेशन व्हेन कैलकुलेटिंग द इनकैंडेसेंट लैम्प पावर फॉर लोड पर्पस एवरी लैम्प होल्डर इज टेकन एस। तो दोस्तों IE रूल, जैसा कि आपने देखा कि पुराने भी वीडियो में कभी 1-2 क्वेश्चन में लाते रहता हूँ IE रूल्स के, तो ये चूंकि कई बार क्वेश्चन में आते रहते हैं, डायरेक्ट केवल याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लैंप होल्डर को हम जब किसी सर्किट में लेते हैं या लोड कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हम लैंप होल्डर को
60 वाट के अप्रोक्स हम इसको लेके चलते हैं। तो इसका सही आंसर है 60 वाट। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 60 वाट। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नई क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। कोई पेपर आपके पास हो जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको मेरी मेल ID avi94 1573@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले पार्ट में उसको डिस्कस जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।